हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एम जी एम कैरियर इंस्टीट्यूट में। तो स्टूडेंट्स, हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, आज उस चैप्टर को हम थोड़ा सा ख़त्म करने की तरफ चलेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट में हमारे लास्ट टॉपिक डिफेक्ट्स की। ठीक है, डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स मतलब त्रुटियाँ हिंदी में जो बोलते हैं इसको। डिफेक्ट्स क्यों आता है किसी भी सॉलिड में? डिफेक्ट्स आर अराइज ड्यू टू, दो रीज़न से आता है, या तो लैटिस में से जो आयन है वो मिस हो जाएं, गायब हो जाएं, या फिर लैटिस में से जो आयन है वो डिसलोकेट हो जाएं, मतलब कि अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह पे चला जाएं। तो फर्स्ट पॉइंट है मिसिंग ऑफ आयन फ्रॉम द लैटिस, या फिर डिसलोकेशन ऑफ आयन इन द लैटिस। ठीक है, इन दोनों वजह से डिफेक्ट आते हैं। तीन तरह के डिफेक्ट इस चैप्टर में हमारे पास पाए जाते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। फर्स्ट है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड है नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एंड थर्ड वन इज इम्प्योरिटी, जिसको डोपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, पहला है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें पहला पॉइंट है शॉटकी डिफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट जनरली उन आयनिक सॉलिड्स में आता है जिनमें सेम नंबर उन आयनिक सॉलिड्स में आता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो डिफेक्ट है ये इसलिए आता है क्योंकि जिन सॉलिड्स में से सेम नंबर में कैटायन और सेम नंबर में एनायन लैटिस से गायब हो जाएं, मिस हो जाएं, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वो शॉर्टकी डिफेक्ट है। मतलब दिस डिफेक्ट इज़ अराइज ड्यू टू मिसिंग ऑफ सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन फ्रॉम द लैटिस। मतलब कि अगर एक कैटायन, कैटायन को मैं सी प्लस से ले रहा हूँ, एक कैटायन अगर गायब हो रहा है तो एक एनायन भी गायब होगा, दो कैटायन गायब हो रहे हैं तो दो एनायन गायब होंगे, मतलब कैटायन एंड एनायन का सेम नंबर में रहेंगे ये, जो लैटिस से मिस हो जाएंगे, तो वहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये जनरली उन सॉलिड में मिलता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। आपको हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है 6 और 8। तो जनरली फाउंड इन दोज टाइप ऑफ सॉलिड विच हैव हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, इस तरह के सॉलिड्स में जो कैटायन और एनायन होते हैं उनके साइज में बहुत ही कम डिफरेंस होता है, मतलब वो लगभग बराबर ही होते हैं, लेस डिफरेंस बिटवीन साइज एंड ऑफ कैटायन एंड एनायन। अब यहाँ पे सॉलिड में जो कैटायन और एनायन है सेम नंबर में सॉलिड से मिस हो रहे हैं मतलब गायब भी हो रहे हैं, तो जो सॉलिड है पहले के रेस्पेक्ट में उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब सेम नंबर में कैटायन और एनायन गायब हो रहे हैं तो जितना पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज गायब हो रहा है, तो जो सॉलिड है वो पहले की तरह ही इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। तो सॉलिड रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल इन शॉटकी डिफेक्ट। इसके जो एग्जांपल है वो क्या क्या हैं? NaCl, KCl, AgCl और AgBr। AgBr थोड़ा सा इसका एक एक्स्ट्रा या फिर इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, वो क्यों है आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें बी पॉइंट है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल डिफेक्ट कहाँ मिलता है, या फिर फ्रेंकल डिफेक्ट होता क्या है? इसमें क्या होता है, इस डिफेक्ट में आयन्स में मेनली कैटायन, क्योंकि वो छोटा आयन होता है, कैटायन का साइज एनायन की तुलना में छोटा होता है। ठीक है, तो इस डिफेक्ट में आयन, उसमें भी मेनली कैटायन, अपनी जो लैटिस है उसमें अपनी एक्चुअल जगह को छोड़ के लैटिस में ही कहीं किसी इंटरस्टीशियल साइट पे जाके बैठ जाता है। ठीक है ना, तो इसको अगर मैं समझाऊँ डायग्राम बना के, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये एक सॉलिड का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि मेनली कैटायन, तो कैटायन क्या होगा, ये अपनी जगह को छोड़ देगा और किसी इंटरस्टीशियल साइड जैसे यहाँ पे आके बैठ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, खाली जगह हो जाएगी, और ये कैटायन कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा इंटरस्टीशियल साइड पे। तो इसको बोलते हैं अपन फ्रेंकल डिफेक्ट। ये उन सॉलिड्स में मिलता है जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6। अब ये जो 6 है ये लो में भी आता है और हाई में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कैटायन और एनायन के जो साइज होता है उसमें लार्ज डिफरेंस होता है, मतलब दोनों साइज में अलग अलग होते हैं। डेंसिटी इसमें कॉन्स्टेंट रहेगी। क्यों कॉन्स्टेंट रहेगी? क्योंकि कोई भी आयन यहाँ पे गायब नहीं हो रहा है। ठीक है, सॉलिड रिमेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज पहले था उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अभी है, और जितना नेगेटिव चार्ज पहले था अब उतना ही नेगेटिव चार्ज अभी भी सॉलिड के अंदर है, इसलिए ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहेगा। इसके एग्जांपल हैं ZnS, CdS एंड AgBr। तो AgBr ऐसा कंपाउंड है जहाँ पे शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट आता है अपने पास नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाउ फर्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स दो तरह से होगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज और ड्यू टू एडिशन ऑफ अनदर मेटल या ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटल। ठीक है, तो ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, एनायनिक वैकेंसीज में क्या होता है, जब हम NaCl को Na के ही एनवायरनमेंट में गर्म करते हैं, जब हम NaCl को Na के ही एनवायरनमेंट में गर्म करते हैं तो NaCl सॉलिड में से कुछ Cl जो होते हैं अपना जगह छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा, और अगर होल क्रिएट हो गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं रहेगा सॉलिड, और सॉलिड को हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना होता है, तो उस होल की जगह पे जितने Cl- लैटिस से गए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आके बैठ जाते हैं। इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, क्योंकि Cl- कम हो रहा है और मेटल ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, और ये उन सॉलिड्स में मिलते हैं जहाँ पे शॉर्ट की डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। व्हेन NaCl इज हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ Na, देन सम Cl- लीव द लैटिस एंड होल इज क्रिएटेड फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। द होल इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड एफ सेंटर। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है उसको एफ सेंटर बोलते हैं। जैसे कि यहाँ आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से एक Cl माइनस गायब हो गया, Cl माइनस गायब हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है तो यहाँ पे उसकी जगह पे आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये एफ सेंटर जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड में कलर चेंज को बताता है, रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कलर इसकी वजह से आता है, इस एफ सेंटर की वजह से। यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड है इसमें ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटल। एडिशन ऑफ मेटल में क्या करते हैं, किसी सॉलिड में हम कोई और मेटल को डोप कर देते हैं, डोप कर देते हैं तो वो इंटरस्टिशियल साइड पे जाके बैठ जाता है। अब सॉलिड को हमेशा हमें क्या रखना होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना होता है, तो जितने अमाउंट में हमने मेटल डाला है उतने ही अमाउंट में हमें इलेक्ट्रॉन भी डोप करने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मेटल एक्सिस में आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, ये मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटल। तो इन दिस डिफेक्ट मेटल इज डोप्ड इनटू द लैटिस एंड द मेटल ऑक्यूपाइज द इंटरस्टीशियल साइट ऑफ लैटिस फॉर मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो डोप्ड इनटू द लैटिस। इसमें क्या होता है, डेंसिटी बढ़ जाती है क्योंकि क्या है, मेटल और एक्सिस में आ गया है। अब देखो ये एक स्ट्रक्चर है, प्लस माइनस से एक सॉलिड बना हुआ है, इसमें क्या किया, यहाँ पे एक मेटल एक्सिस में डाल दिया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया। तो इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ मेटल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल की कमी हो जाए ऐसा डिफेक्ट। ठीक है, तो ये उन सॉलिड्स में मिलते हैं जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर जनरली ट्रांजिशन मेटल्स दिखाते हैं। तो फाउंड इन दो सॉलिड विच शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली ट्रांजिशन मेटल्स। इसमें क्या होता है कि कुछ मेटल, इसको गर्म करते हैं जब हम सॉलिड को, तो कुछ मेटल क्या होते हैं, आयन लैटिस को लीव कर देते हैं और वहाँ पे बन जाता है होल। अब हमें क्या करना होता है, हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है, तो उस सॉलिड में जो मेटल है वो अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यहाँ पे क्या होता है, मेटल लीव कर जाता है तो डेंसिटी हो जाती है डिक्रीज। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे FeO। तो FeO में प्लस टू एंड माइनस टू दोनों चार्ज है, तो प्लस टू है आयरन एंड माइनस टू है ऑक्सीजन। इससे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, यहाँ पे प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू माइनस टू एंड प्लस टू, ये है FeO का स्ट्रक्चर। अब इसको गर्म किया, गर्म किया तो क्या हुआ, यहाँ से प्लस टू आयरन प्लस टू कुछ गायब हो गए तो यहाँ बन गया होल। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रखना है तो यहाँ पे क्या होगा कि कुछ एटम आयरन के वो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट से प्लस थ्री ऑक्सीजन स्टेट में चले जाएंगे। यहाँ पे कितना चार्ज गायब हुआ, प्लस टू, मतलब प्लस टू चार्ज बढ़ना चाहिए। तो देखो यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस टू, यहाँ माइनस टू, लेकिन यहाँ क्या हो गया, प्लस थ्री चार्ज हो गया। यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस टू, यहाँ माइनस टू, यहाँ प्लस थ्री चार्ज हो गया, तो अगेन क्या हो गया, प्लस टू चार्ज बढ़ गया। तो जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, लेकिन यहाँ पे एक आयरन गायब हो गया है, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो इसको बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, थर्ड वन आता है अपने पास इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी में डोपिंग बोलते हैं इसको जनरली। ये किस किस में होता है, इन एन आयनिक कंपाउंड एंड इन कोवेलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि व्हेन आयनिक सॉलिड इज डोप्ड विद अनदर आयनिक सॉलिड विद लाइटर मेटल कैटायन वैकेंसीज आर लाइटर मेटल कैटायन वैकेंसीज आर प्रोड्यूस्ड नोन एज डोपिंग।
मतलब किसी को किसी में मिलाए जाते हैं तो कैटायनिक वैकेंसीज यहाँ पे मिल जाती है, इसको हम बोलते हैं डोपिंग। और कोवलेंट कंपाउंड में ये एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, ये पार्ट आप फिजिक्स में कंप्लीट करते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये है ऑल अबाउट सॉलिड, और इसी के साथ अपना सॉलिड स्टेट चैप्टर ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।